क्या आपको पता है एयरबैग बिना सीट बेल्ट के कुछ काम का नहीं है। एयरबैग की स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अगर आप इतनी स्पीड से एयरबैग पर टकराए तो आपकी जान और खतरे में आ जाएगी। हमारी कारों में स्मार्ट ECU लगा रहता है और जब भी हमारी कार क्रैश होती है तो इसके अंदर मैम सेंसर तुरंत कॉइल को गर्म कर देते हैं और जैसे ही कॉइल गर्म होती है इसके अंदर गोनेडाइन नाइट्रेट एक्सप्लोड हो जाती है। इसके कारण एयरबैग इतनी स्पीड से खुल जाता है और जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये लगभग 2 मिलीसेकंड के अंदर हो जाती है और एयरबैग में गैस 20 से 30 मिलीसेकंड में भर जाती है। लेकिन अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है, जब एयरबैग आपको एक प्रॉपर कुशनिंग दे देता है तो ये 100 मिलीसेकंड के अंदर इसकी हवा बाहर निकलना चालू हो जाती है और इसी कारण हमें कम्फर्ट महसूस होता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को फिर से लेकर पहुंच चुका हूं शुभम कार बाजार के मोहम्मदपुर वाली ब्रांच पे। दोस्तों, यहां पे इस बार कुछ गाड़ियों का स्टॉक लगा हुआ है। वैसे तो शुभम कार बाजार के पास बहुत सारी गाड़ी मौजूद है, लगभग 70+ गाड़ियाँ मौजूद है। यहाँ पर जो गाड़ी है ना दोस्तों, मैं उस सारी गाड़ी को आप लोग को अपडेट देने वाला हूँ, सारे चीज बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे और अभी तक जो लोग इस चैनल पर आए हुए हैं लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है और कहां से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं सबसे पहले एक स्विफ्ट डिजायर दिखाता हूं और उस स्विफ्ट डिजायर को आप लोग देखिए और बताइए उसका क्या रेट होने वाला चाहिए और क्या रेट है यहाँ पे। सबसे पहले आइए आप लोगों को मैं एक स्विफ्ट डिजायर दिखाता हूँ जो BR01 पटना के रजिस्ट्रेशन नंबर में है। और इस स्विफ्ट डिजायर की बात करें ना तो देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेंट के साथ ये स्विफ्ट डिजायर है। और इसकी मॉडल की बात करें ना तो आप सभी लोगों को ये इसका मॉडल मिल जाएगा 2016 और प्राइस 490 रखा गया है। और अंदर की कंडीशन की बात करें ना तो देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल नई जैसे ये गाड़ी दिख रहा है, हर चीज से अपटूडेट कराकर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से सर्टिफाइड करके यहाँ पे ये गाड़ी को रखा गया है। अगर इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो अगर आप लोग के पास 490 नहीं है तो आप लोग 30% डाउन पेमेंट जमा करके आप लोग गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को एक छोटा सा लिस्ट दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में लगभग 70+ गाड़ियों का लिस्ट बना हुआ है। यहाँ पर जो गाड़ी है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और सभी गाड़ी चाहिए ना तो जो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सअप पे और कॉलिंग भी कर सकते हैं। कॉलिंग करके आप लोग और किसी तरह की गाड़ी की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग गाड़ी की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो अभी चलिए मैं आप लोग को जो बोलेरो दिखाने जा रहा हूँ, बोलेरो, और इस बोलेरो को जो है मोतिहारी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये जो है ना 2017 की मॉडल है और प्राइस इसका 6,25,000 रुपये रखा गया है। अगर आप लोग इस बोलेरो को खरीदना चाहते हैं तो सब कुछ आप लोगों को कंपनी फिटेड ही मिलने वाला है, कहीं से भी कुछ इसमें दाग धब्बा स्क्रैच वगैरह हर चीज़ से AC और म्यूजिक सिस्टम जो भी नई गाड़ी में होती है ना हर एक चीज़ आप लोग को इसमें अपटूडेट करा कर रखा गया है। इस गाड़ी को खरीद कर आप लोगों को ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नए जैसे स्वाद मिलेगा इस गाड़ी को आप लोगों को चलाने में। तो अगर इसकी प्राइस की बात करें ना दोस्तों तो आप लोग को तो बता ही दिया मैं 6,25,000 है। अगर इतना भी नहीं है ना तो आप लोग 30% डाउन पेमेंट जमा करके इस गाड़ी को आप लोग खरीद कर अपने घर लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों अभी आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूँ ये जो है टाटा की इंट्रा है V10, जिसको छोटा पिकअप भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग अपने भाषा में छोटा हाथी भी बोलते हैं। आपको जो बोलते हैं मुझे कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताएं। इसको आप लोग अंदर और बाहर से देखिए, ये भी गाड़ी जो है ना कहीं से भी कुछ टूटा फूटा या दाग धब्बा या कहीं से भी कुछ नहीं है और यह हाजीपुर के रजिस्ट्रेशन नंबर में है। और अंदर की इंटीरियर को देख लीजिए, म्यूजिक सिस्टम से लेकर हर एक वो चीज़ आप लोग को मौजूद मिलेगा जो एक नई गाड़ी में होती है। और इस गाड़ी को आप लोग खरीदना चाहते हैं, अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं ना तो 5,50,000 रुपया इसका कीमत रखा गया है और 2021 का मॉडल है। अगर आप लोग के पास 5,50,000 रुपया नहीं है तो आप लोग 30% इसका जमा करके यानी लगभग 2,00,000 रुपये जमा करके आप लोग इस गाड़ी को खरीद कर अपने घर लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों गाड़ी होने वाली है फिर से ये गोपालगंज के रजिस्ट्रेशन नंबर में बोलेरो है और ये भी बोलेरो जो है ना दोस्तों हर चीज़ से सर्टिफाइड करके रखा गया है। देखिए महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का लोगो लगा हुआ है और इस गाड़ी में भी आप लोगों को कहीं से भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी गाड़ी आप लोग को फुल्ली अपटूडेट करा कर रखा जाएगा।
दोस्तों चारों चक्के इसके नए हैं। चक्के की बात करें तो देख सकते हैं ये चक्का काफी ज्यादा बचा हुआ है, इसका रेशा तक नहीं निकला हुआ है। यानी ये भी आप लोग को बोलेरो जो है ना फुल कंप्लीट करके ही मिलेगा। इस बोलेरो की बात करें तो 2013 का मॉडल है और प्राइस 4.5 लाख रुपया रखा गया है। अगर आप लोगों के पास 4.5 लाख रुपया नहीं है तो आप लोग 1.5 लाख रुपया भी जमा करके बाकी का पैसा डाउन पेमेंट करा दिया जाएगा। उतना डाउन पेमेंट करके आप लोग इस बोलेरो को भी अपने घर लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों गाड़ी होने वाली है BR05 मोतिहारी का रजिस्ट्रेशन नंबर का बोलेरो पिकअप। और इस बोलेरो पिकअप को आप लोग खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके आगे पीछे डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ देखिए, हर एक चीज से आप लोग को ये गाड़ी अपडेट मिलेगा, ओके मिलेगा। जो एक नई गाड़ी में होता है वो सारी कुछ सुविधाएं इसमें आप सभी लोगों को मिलेगा। सिर्फ आपको आना है अपने से ट्रायल कीजिए, ट्रायल करने के बाद जो भी इसका प्राइस होता है उसको डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने के बाद से अगर आप लोग लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं। दोस्तों इसकी मॉडल की बात करें ना तो 2018 का मॉडल है और प्राइस इसका 6,20,000 रुपये रखा गया है। इसमें भी अगर आप लोगों के पास नहीं है इतना पैसा तो आप लोग इस पर भी फाइनेंस करा सकते हैं। अगर आप लोग के पास 2 से 2.5 लाख रुपये है तो उसको दीजिए और बाकी का पैसा फाइनेंस करा दिया जाएगा। फाइनेंस कराने के लिए दोस्तों आप लोगों को तो मालूम ही है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत है। आप लोग को आधार पैन चाहिए, चेकबुक चाहिए, जमीन का रसीद चाहिए, यही सब मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है। इसको आप जमा करके यहाँ से गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट जो गाड़ी है यहाँ के ब्रांच के लिए, वैसे तो गाड़ी इनके पास बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों को ज़्यादा इसके अलावा और कोई सा भी गाड़ी चाहिए तो आप लोग जो नंबर चल रहा है ना उस पर व्हाट्सअप कीजिए और व्हाट्सअप करके जानकारी ले लीजिए। नेक्स्ट जो दोस्तों गाड़ी है ये जो है मैजिक है, टाटा की जो मैजिक है, जो ज़्यादातर जो लोग इसको वैन भी बोलते हैं और स्कूलों में वगैरह में ये सब गाड़ी ज़्यादा चलते हैं क्योंकि बच्चे लोगों को स्कूल लाना ले जाना, जो लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं वो लोग काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छा खासा पैसा कमाना तो आप इस गाड़ी को खरीदिए और कल से ही किसी स्कूल में अपना बात कीजिए, सेटिंग कीजिए और पैसा कमाना चालू कर दीजिए। इसके अगर आप लोग मॉडल जानना चाहते हैं तो मैं आप लोग को मॉडल बता दूँ तो इसका मॉडल जो है ना 2019 का मॉडल है और प्राइस जो है 3,10,000 रुपये रखा गया है। इस पर भी आप सभी लोगों को फाइनेंस की सुविधा मौजूद है। इसके लिए सिर्फ आप लोगों को 1 लाख रुपया देना है और 1 लाख रुपये देकर आप लोग इस गाड़ी को खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में यहाँ का एड्रेस बता दूँ तो अभी यहाँ पर जो मैं मौजूद हूँ तो ये जो गोपालगंज से जो मोहम्मदपुर होते हुए जो छपरा पटना की तरफ जो जाता है वही वाली NH28 की ये जो मेन है। अगर आप लोग गोपालगंज से आते हैं ना तो गोपालगंज से आज छपरा की तरफ जाते हैं या मोहम्मदपुर की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को दाएं साइड में ये शुभम कार बाजार का बोर्ड दिखाई देगा। और अगर आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं कि ये एड्रेस कहाँ है तो जो नंबर चल रहा है उस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, लोकेशन मांगिए, हर तरह की वो सारी सुविधाएं आप सभी लोगों को मौजूद मिलेगा। तो दोस्तों यही था आज का ये छोटा सा वीडियो। अगर इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए, इससे अलावा और कोई सा भी आप लोगों को गाड़ी चाहिए तो आप लोग नंबर पे कॉल कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग इंतजार कीजिए। जय हिंद।